चिन्ह साइंस ऑफ द एंड। चेलो ने दो सवाल पूछे, यीशु उसका जवाब दिया उस क्रम में जिसमें वो कहा जाता है, जैतून का उपदेश, क्योंकि वे जैतून के पहाड़ से बोल रहे थे। पहला, ये बातें कब होंगी? यह सवाल फिर से उस चीज को संदर्भ करती है जो यीशु ने कही थी यरूशलेम के भव्य मंदिर के नाश के बारे में। और जब यीशु मंदिर से निकलकर जा रहा था तो उसके चेले उसको मंदिर की रचना दिखाने के लिए उसके पास आए और उसने उनसे कहा, तुम यह सब देख रहे हो ना? मैं तुमसे सच कहता हूँ, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया न जाएगा। मत्ती 24:1-2। पहला सवाल था मंदिर का नाश कब होगा। इस सवाल का जवाब दिया था जैतून के उपदेश के भाग में जो लुका 21:20-24 में ज्ञात किया गया था। और जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाए और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाए और जो गांवों में हो वे उसमें न जाए, क्योंकि यह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। लुका 21:20-24। ये चिन्ह संदर्भ करता है भविष्य के यरूशलेम के अवरोध तीतुस द्वारा उसके आक्रमण और नाश करने वाले उत्कर्ष के साथ मंदिर के 70 में। यरूशलेम रोमी सेनाओं द्वारा घिरा हुआ देख के शायद विश्वासियों को पहाड़ों पर भागने का संकेत मिला होगा और वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों रौंदा जाएगा। लुका 21:24। यरूशलेम पूरी तरह से उजड़ गया था हेड्रियन की सेनाओं द्वारा और वे सब बोझ लाद कर बंदी बनाकर रखे जाए सारे देशों में। यह अद्भुत भविष्यवाणी की गई थी पूरी सदी के पहले आखिरकार परिपूर्ण किया गया। इस तरह अन्य जातियों के समय अब तक परिपूर्ण नहीं हुए हैं, ना ही वे होंगे जब तक मसीह वापस नहीं आदे वहां राज करने को। इस तरह मसीह ने चेलो के पहले सवाल का जवाब दिया, हमें बता कि ये बारे कब होगी। परंतु फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। ग्रीक शब्द अनुवाद किया गया जगत वो है एओन, इसका अर्थ है युग युग जिसमें हम अब रहते हैं मसीही के प्रबंध में। मसीह ने उनकी निंदा नहीं की इस सवाल को पूछने के लिए, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा युग का। उनकी निंदा करने के बदले उन्होंने लंबी यादी दी चिन्हों की। उन्होंने एक चिन्ह के लिए पूछा था, परंतु मसीह ने उन्हें बहुत से दिए आने वाले पदों में और जैतून के उपदेश के भाग में भी जो मरकुस 13 और लुका 21 में ज्ञात किया गया था, और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मत्ती 24:14। यह अजीब है कि वहाँ पर ऐसी प्रतिक्रिया होगी आज चिन्हों पर प्रवचन देने में बहुत से प्रदर्श में। मुझे ऐसा लगता है
कि चिन्हों का आधुनिक अस्वीकार खुद अपने आप में एक चिन्ह है। मैं डरता हूँ कि ये कुछ प्रवक्ताओं को ताना मारने वाला की श्रेणी में रख दे जो कहते हैं उसके आने की प्रतिज्ञा कहा है। 2 पत्रस 3:3-4। और मैं सोचता हूँ कि चिन्हों का अस्वीकार बताता है कि जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। मत्ती 25:5। सोने वाले कलीसिया को चिन्हों के बारे में नहीं सुनना है, वो शायद उन्हें जगा दे। चेलों ने उनके आने के एक चिन्ह के लिए पूछा और युग के अंत के बारे में, परंतु मसीह ने बहुत से चिन्ह दिए। मैं मसीह और उनके प्रेरितों द्वारा दिए हुए चिन्हों में से कुछ यहाँ देने वाला हूँ, 3 श्रेणी में। पहला, वहाँ कलीसियाओं में चिन्ह है। हकीकत में वो पहला चिन्ह जो यीशु ने दिया, मत्ती 24:4-5 में। और यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो कोई तुम्हें न भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे, मत्ती 24:4-5। मैं सोचता हूँ कि ये प्राथमिकता से दुष्टात्माओं को संदर्भ करता है जो अपने आप को मसीह की तरह बताते हैं। प्रेरितों पौलुस ने दूसरे यीशु जिसका प्रचार हमने नहीं किया, 2 कुरिन्थियों 11:4 के बारे में चेतावनी दी है। प्रेरितों ने ये भी कहा, अब आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे, 1 तीमुथियुस 4:1। आज हम देखते हैं कि ब्रह्मज्ञान के विरुद्ध के आत्मांसी बहुत से कलीसिया में प्रचार किए जाते हैं। ये ज्ञान संबंधी मसीह आत्मा है, पवित्र शास्त्र के सच्चे मांस और हड्डियों के मसीह नहीं। बाइबल कहता है, जो आत्मा यीशु को नहीं मानती वह परमेश्वर की ओर से नहीं, 1 यूहन्ना 4:3। सारे आधुनिक अनुवादों में से सिर्फ गेशर्ट ने पदों का सही तरीके से अनुवाद किया है। ग्रीक शब्द है इलेलुथोटा। ये पूर्ण काल में है, मसीह की वर्तमान स्थिति को संकेत करते हुए। जैसे गेशर्ट द्वारा सही तरीके से अनुवाद किया था, मसीह देह में आते हैं। वे देह में आए और देह में ही रहे, उनके पुनरुत्थान वाले मांस और हड्डी का शरीर। उनके मृत्यु से जिलाए जाने के बाद यीशु ने कहा, आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसा मुझ में देखते हो, लूका 24:39। इसलिए आज के मसीहात्मा हकीकत में दुष्टात्मा है। फिर से मत्ती 24:24 में मसीह ने कहा, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यवेता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे, मत्ती 24:24। हमें इस बुरे दिनों में चिन्ह और चमत्कार द्वारा भ्रमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योतिमय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कोमों के अनुसार होगा, 2 कुरिन्थियों 11:13-15। प्रेरितों पौलुस ने चेतावनी दी,
क्योंकि ऐसा समय आएगा जब लोग खरा उपदेश न सह सकेंगे पर कानों की खुजली के कारण अपनी अभिलाषाओं के अनुसार अपने लिए बहुत से उपदेशक बटोर लेंगे और अपने कान सत्य से फेर कर कथा खानियों पर लगाएंगे। 2 तीमुथियुस 4:3-4। मैं मान चुका हूँ कि हम अभी स्वधर्म त्याग में रहते हैं। धर्म का त्याग जो प्रेरितो पौलुस ने 2 थिस्सलुनीकियों 2:03 में भविष्यवाणी की थी, फिर भी मसीह ने कहा, क्योंकि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा बढ़ पड़ जाएगा। मत्ती 24:12। मसीह ने भविष्य के बारे में बताया कि वहाँ पर कलीसिया में इतनी अंधाधुंधी होगी कि जो आश्चर्यपूर्ण प्यार कलीसिया के सदस्यों के बीच है वो ठंडा हो जाएगा। रविवार रात को कलीसिया बंद रहते हैं क्योंकि सच्ची सदस्यता भूतकाल की बड़ी चीज है। कलीसिया के सदस्य पहले के कलीसिया में मिलजुल कर रहते थे, वैसे अब साथ रहना पसंद नहीं करते। प्रेरितों 2:46-47। और भी यीशु ने भविष्यवाणी बताई कि वहाँ पर अंतस्मय में दृढ़ता से कम प्रार्थना होगी। लूका 18:1-8। मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास प्रार्थना करने का विश्वास पाएगा? लूका 18:08। परंतु याद रखिए, यीशु ने कहा, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। लूका 21:28। तीसरा, वहाँ पर चिन्ह है विश्व भर में सुसमाचार प्रचार का। ध्यान दीजिए कैसे अचानक से ये हौसला देने वाला चिन्ह प्रतीत हो गया। इन भयानक चिन्हों के बीच में तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठ भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मत्ती 24:9-14। राज्य का सुसमाचार मरकुस 13:10 में सिर्फ सुसमाचार है जो कहता है, और सुसमाचार पहले सब जातियों में प्रकाशित प्रचार होना ही चाहिए। स्वधर्म त्याग और उपद्रव के बिल्कुल मध्य में अचानक मसीह ने कहा, सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए, तब अंत आ जाएगा। मत्ती 24:14। कैसी भविष्यवाणी! वहाँ पर बहुत कम जगह है संसार में जहाँ हमारे समय में सुसमाचार नहीं सुनाई देता था। इंटरनेट द्वारा, रेडियो द्वारा, शॉर्ट वेव, सैटेलाइट और हजारों धर्म प्रचारक के द्वारा सुसमाचार आजकल पूरे संसार में फैलाया जाता है। मत्ती 24:11-14। हमारी पीढ़ी में परिपूर्ण है। कितना अजीब है ये, पश्चिम के कलीसिया में दरवाजे बंद करते हैं और उनकी शाम की सभा बंद रखते हैं कि वहाँ पर तीसरे विश्व में सुसमाचार का विस्फोट होता है। चीन में, दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका के कुछ देशों में, मोंग लोगों के बीच और भारत में अछूत। स्वधर्म त्याग और पुनर्जन्म एक साथ चल रहे हैं, वैसे ही जैसे यीशु ने भविष्यवाणी की थी। कैसा विचित्र विरुद्ध धमन!
फिर भी यही है जो हा रहा है। वैसे ही जैसे मसीह ने भविष्यवाणी की थी कि ऐसा होगा, और बहुत से झूठे भविष्यता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियां पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। मत्ती 14:11-14। क्या आप मसीह को जानते हैं? क्या आप तैयार रहोगे जब वे आएंगे? क्या आप परिवर्तित हो? अगर आप खोए हुए हो तो पुनः सर्मपण आपको मदद नहीं करेगा। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर मसीह के पास फिर से आना है, जैसे उदाव पुत्र। परंतु बाइबल कभी भी नहीं कहता कि उदाव पुत्र एक बार बचाया गया था, फिर से पीछे फिसला हुआ और फिर उसने अपना जीवन पुनः सर्मपित किया। नहीं, बाइबल सरलता से कहता है कि वो खोया हुआ था। खुद के पिता ने ऐसा कहा था, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। मत्ती 15:24।